ना माड़े आना यारी ना ही माड़े आना बिलो वैर रखा तुसी केड़ा साले लगदा जो थोड़ी खैर रखू मेरे उत्ते रखे नी मैं रोब तेरे शायर रखा माड़े कमाली पिंड वाली बिलो नहर रखा खेत खूद पंगा पै जाए इस वास्ते नी दबे तीन चार कट्टे बिलो वट नाली सजे खबे छे हुंदे डब नाली कुल बारह बंदे हुंदे तेरे जट नाली वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज है 21 फरवरी 2022 और आज हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं गाँव क्योंकि वहाँ एक घर का उद्घाटन वो घर एक बनाया तो उसको जाके दिखाएंगे पूरा गाँव आपको। और लंका है क्योंकि यहाँ रावण खड़ा होता है दशहरा शहरा होता है दिवाली समय खजुआ का रावण बहुत फेमस है तो ये खजुआ है राम दरबार लगता है यहाँ पर। देखो झील देख लो इसको लोग समुद्र बना के वहाँ से पत्थर डाल के जाते हैं इधर से पूरा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी देखा नहीं लेकिन माँ को जरूर देखूंगा। विकी तो फिर मुझको सता। ये देखो ये अकबर का किला यहाँ पर उसका बैठक लगती थी इसके अंदर कभी जाएंगे तो आपको दिखा देंगे। ये देखो पूरी है। तो गाइस हम लोग गांव पहुंच गए हैं आपको दिखाते हैं कि घर का कौन से घर का उद्घाटन है। सो गाइस ये एक घर है जिसका उद्घाटन है और ये हमारे मतलब मेन घर है यहाँ मतलब बाबा ने बनवाया था है ना और उधर साइड हम लोगों ने रहने के लिए बनवा लिया मतलब कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है ना तो इसको इधर ऐसे रह जाए कि गाड़ी खड़ी हो जाए और इधर एक मेन गेट बनवा दिया है कि पूरा एक ही घर है लेकिन इधर इधर से चल के हाँ देखो यहाँ पूरा भी तो साफ सफाई हो गया पहले अंदर मतलब वहाँ पर भूसा मतलब कि गाय पूरा चारा स्टोर होता था इस वाले कमरे में यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े होते थे और पूरा यहाँ पर रहता था ये पूरा से जॉइंट था ये भी जॉइंट था यहाँ तो अभी दीवार एकदम नई नई बन गई है कि ना यहाँ से लॉक हो सके क्योंकि यहाँ सामान वामान रहता ना घर का। और ये देखो ये तो अंदर है पूरा ये किचन है यहाँ का और ये भी स्टोर रूम है यहाँ भाई ऐसे ही पड़ा हुआ है मतलब गांव गांव में रहता ही कौन है भाई इतना। और ये एक कमरा है ऊपर भी चल के दिखा देंगे आपको कि तो भाई छत है हमारी अभी तो सब टीन अभी अभी लगा जब ये वाला पोर्शन बन गया था। और ये देखो एक और बाथरूम है ये पहले खुला हुआ था ये चीज़ मतलब पूरा ओपन था लेकिन इसको बंद करा दिया गया फालतू की धूल धक्कड़ यहाँ पर ऐसे कोई रहता नहीं ना तो उन लोगों को किराए पे दे दिया थोड़ा सा कि रह ले। तो गाइस हमने मैं बोल रहा हूँ यहाँ से निकल जाए क्योंकि मेरी कोचिंग भी है क्योंकि और मैं सोच रहा हूँ अटेंड कर लूँ क्योंकि फाइनल्स आ रहे हैं तो ज़रूरी भी पढ़ाई भी। ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है देख रहे हो फूल वूल बढ़िया से लगे हैं वॉल वाली पहले तो वॉल भी नहीं थी जब से सरकार आई तब से तो अच्छा हो गया मेंटेन हो गया पूरा फूल वूल गार्डन ने बना दिया है।
मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई किस मोड़ से ना माड़े आना यारी ना ही माड़े आना बिलो वैर रखा तुसी केड़ा साले लगदा जो थोड़ी खैर रखू मेरे उत्ते रखे नी मैं रोब तेरे शहर रखा माड़े अग माली पेंड वाली बिलो नहर रखा खेत खूद पंगा पै जाए इस वास्ते नी दबे तीन चार कट्टे बिलो वट नाली सच्चे खब्बे छे हुंदे डब नाली कुल बारह बंदे हुंदे तेरे जट नाली। सो गाइस ये मैं जहाँ आया हूँ ना इसका बहुत दिनों से कॉन्टेंट प्लान था, मतलब कि सोच के रखा था इसको बनाना है दिखाना है, तो जितना हो सकेगा उतना दिखा देंगे। ये तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा है, दिखाते कहाँ पर आए। तो ये है हमारा भट्टा, वहाँ मिट्टी खुदाई उदाई होती है उस जगह पर। ये तो मेन पूरा भट्टा है, इसके नीचे ईंटे अभी लगे ही हुए हैं, देखिए लगे हुए हैं कैबिन में पकने के लिए, लेकिन अभी आग नहीं छूटी है, तो जब छूटेगी तब पकना शुरू हो जाएंगे। और देखिए अभी स्टॉक पूरा लगा हुआ है, पूरा जेसीबी, और वहाँ उस जगह सारे लेबर लोग रहते हैं, पूरा उन लोगों के लिए लेबर एरिया का बना दिया है कि जो भी लेबर आते हैं वहीं रहते हैं और वहीं से पूरा काम होता है। और यहाँ पूरा स्टॉक लगा हुआ है, अनलोडिंग लोडिंग उधर भी है, उधर भी है। ईंटों के ऊपर चलेंगे, दिखाते हैं आपको। तो गाइस भैया आपको पूरा जानकारी देगा, अभी तो हम इंजॉय कर रहे हैं, चेम्बर में डोल लें, और अभी आग छूटी नहीं, जब आग छूटेगी ना यहाँ आके ना भस्म हो जाओगे, भस्म, समझ रहे हो। ईंटों यहाँ पे ऐसे भर दिया जाता है, तो ये ऐसे बताया ना वहाँ तक गोलाई तक जाता है ऐसे लंबा, वहाँ जब गोला आगा हो जाता है वहाँ तक भरा जाता है, फिर इसमें आग लगाई जाती है उस साइड से, और फिर इस आग को कंटिन्यू करके रखा जाता है उधर, और पीछे से जैसे जैसे ईंटा पकता जाता है निकाला जाता है और आगे कच्चा ईंटा भरते चले जाते हैं नेक्स्ट गोले तक उधर। पूरा ईंटा दिख रहे ऊपर से ऐसे ऐसे भरना स्टार्ट होता है, वहाँ गुलाई पक जाता है, कच्चा मिलता है वहाँ तक ईंटा ऐसे भर दिया जाता है, और इसके ऊपर जो राबिस दिख रही है इसे राबिस कहते हैं, इसे ऐश होती है, ये ऐश होती है, और इसी से सील पैक कर दिया जाता है कि इसमें कोई हवा ना रहे, एकदम सील हो जाता है। जैसे बेकरी होती ना, जैसे बेकरी होती है, बड़ी बेकरी के तरीके काम करता है। यहाँ से देखो, यहाँ से गैस निकलती है, यहाँ से देखा जाता है आग वाग डाली जाती है, देखा जाता है कि आग कैसी जल रही है, और फिर जब ये पूरा सील पैक हो जाता है, जब ये पूरा सील पैक हो जाएगा तो आगे से इस जगह से इस तरफ से आग लगाई जाएगी, ठीक है, किस तरफ से, उस तरफ से, इस तरफ से आग लगा दी जाएगी, और ये आग पूरी बढ़ती 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 पूरी, मतलब ये पूरे साल चलती रहेगी, इसको आगे बढ़ाया जाएगा धीरे 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 करके। इसमें हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इसमें कोयला और लकड़ी डाली जाती है, तो बस वो आगे बढ़ती रहती है, पूरी गोला 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 ऐसे घूमती रहती है। जैसे ईंटा इतना पैक है ना, ये जो होल दिख रहा है, होल ऐसे होल्स दिख रहे हैं, इन्हीं में से लकड़ी कोयला सब जाता है, इन्हीं में से, इन्हीं से अंदर जाता है सब, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे सब दिया जाता है एक कढ़ाई की तरीके होते हैं, उसे उठाया जाता है तवा से। वो देखो वहाँ लोडिंग हो रहा है पहुँचाने के लिए, तो देखो सुविधा पूरी है। अगर आप लोग को भी लेबर बनना है तो लिंक नीचे मिल जाएगा, उस पर कॉल करिए और लेबर बनिए और घर पाइए। देखो ईटा पूरा ये, और वो सब मिट्टी होगी, यही सब ईटा पथाई होता है।
का खेत है इधर, खेती हो रही है उसके में। तो गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आपको ऐसे ब्लॉग और देखने हैं तो भाई कमेंट में बता दो। ये भैया किसी ने मैसेज किया था उसके फोन में कि भाई कि उससे अपने भाई से बोलो कि भट्टे का ब्लॉग बनाए, तो बन गया है ना, तो मैंने बना भी दिया। तो अगर आप भी कोई कमेंट करोगे तो मैं भी आप बना दूंगा, जो कुछ देखना हो है ना, कांटू अगर आपको कुछ देखना हो मैं दिखा दूंगा, मैंने कमेंट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ध्यान रखो। और लास्ट टाइम और गाइस ये रहा वो कमेंट, यहाँ दिख रहा होगा।